तो जी आज मैं अमजद के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ, शॉक्ड हो जाएंगे वो भी और आप लोग भी। आप लोगों ने ना अमजद की बातों को ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है कि अमजद को ये नहीं पता कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है या वो आप लोगों के साथ प्रैंक कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ दुबई, बट अमजद को ये बात नहीं पता है। आज फाइनली जो है ना हम दोनों जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, और यार हमको समझाऊं कैसे, बताऊं कैसे, दिखाऊं कैसे कि मेरी टिकट हो गई। गाइस मैं आप लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था और इसने मेरे साथ प्रैंक कर वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं मिसेज अमजद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमजद यास्मीन व्लॉग्स। तो जी आज मैं अमजद के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ, शॉक्ड हो जाएंगे वो भी और आप लोग भी। अमजद आप लोगों के साथ प्रैंक करने वाले हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं उनके साथ प्रैंक कर रही हूँ। कुछ दिन पहले ना अमजद ने ये सोचा था आवाम के साथ, जो हमारे फैंस हैं उनके साथ प्रैंक किया जाए, उनको ये बताएंगे हम लोग कि हम जा रहे हैं दुबई या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो जी आज मौका मिल गया है मुझे, मैं जा रही हूँ दुबई, बट अमजद को ये बात नहीं पता है। अमजद को ये लग रहा है कि हम आवाम के साथ प्रैंक करने वाले हैं, पूरा प्लान हमारा ये है कि आप लोगों के साथ प्रैंक करना, लेकिन अमजद को ये बात नहीं पता कि मैं रियल में जा रही हूँ। मैंने रात में 3:30 बजे ही अपनी टिकट करवा दी थी और बैग्स वगैरह भी पैक कर लिए हैं, बट ये तो एक सस्पेंस है जो आप लोगों को पता चलेगा और अमजद को भी पता चलेगा बाद में। अमजद जो है वो प्रैंक स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ करने के लिए, बट अमजद को ये आइडिया नहीं है कि उनके साथ भी एक प्रैंक हो रहा है जबरदस्त वाला और बहुत शॉक्ड होने वाला। अमजद का क्या रिएक्शन होगा ये तो हम एयरपोर्ट में ही जाके देखेंगे। आप लोगों को पता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारे जूते कपड़े और हमारा जो ट्रैवल का सामान है बहुत ज़्यादा होता है, बट आज जो मैंने बैग बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि प्रैंक करें, बट ये प्रैंक नहीं हो रहा, ये रियल है। मैं जा रही हूँ, अमजद को नहीं पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। मैंने अपने कुछ 3-4 ड्रेस जो हैं वो मैंने रख लिए हैं, छोटा बैग बनाया है, ज़्यादा नहीं बड़ा बनाया है ताकि अमजद को शक ना हो कि ये इतना बड़ा बैग क्यों बना रही है यास्मीन। तो मैंने छोटा सा बैग बनाया है, एक अपना 3-4 ड्रेस रखे हैं, और अगर मैं बड़ा बैग बनाती तो अमजद कहते यार इतना बड़ा बैग क्यों लेकर जा रही हो, हमने प्रैंक ही करना है तो छोटा बैग लेकर जा। तो इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने छोटा बैग बनाया। चलें जी ये मेरे शूज़ हैं और ये वाला जो बैग है ये मैंने बनाया है लेकर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए, और अभी थोड़ा सा इसको साफ ऑफ करना है क्योंकि अमजद ने कहा था इसको साफ कर दो। तो अमजद जो है वो बाहर खड़े हुए हैं, इनके दोस्त आए हैं जो हमारे कैमरामैन है ना भाई, वो आए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि चलो यास्मीन जल्दी से कर लो, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। मैंने बोला ओके। तो अमजद अभी प्रैंक स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने ज़रूर देखना है और गौर से उनकी बातें सुननी है कि वे बोलते क्या हैं। आप लोगों ने ना अमजद की बातों को ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है कि अमजद को ये नहीं पता कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है या वो आप लोगों के साथ प्रैंक कर रहे हैं। अमजद को ये आइडिया नहीं, जब वो एडिट करेंगे ना तब उनको लगेगा पता कि ये क्या हुआ है। मैंने चुपके ये वीडियोस बनाई हैं, मैंने बोला हाँ ठीक है आप भाई को पानी वानी देकर आओ, जब तक मैं बैग तैयार कर लेती हूँ, बैग को क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा जो है वो बाहर जाने के लिए ना हमारी लड़ाई हो जाती, अमजद कहते हैं जल्दी जाना, मैं कहती हूँ नहीं यार बहुत गर्मी धूप है, बाद में जाएंगे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लेकिन आज जो मैंने कहा है, मैंने बोला यार अमजद हम ना जल्दी चलते हैं, आज टाइम हो रहा है जी 12:30 और 3 बजे की मेरी फ़्लाइट है। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला आज जल्दी चलते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा मौसम होगा क्योंकि आप लोगों को पता है मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अमजद असलम, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमजद यास्मीन व्लॉग्स। यार सीन ये है कि मैं पाकिस्तान में रह रहे के ना थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ, डिस्टर्ब हो गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बाहर वाले मुल्क में जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि यार मैं चला जाता हूँ, तो मैं रहना नहीं चाहता यहाँ का वेदर, यहाँ के मौसम से परेशान हूँ मैं। तो आज फाइनली जो है ना हम दोनों जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, और आप लोगों ने गेस करना है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। बहुत एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो है ना बड़े हैवी लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलने लगे हैं, मैंने गाड़ी बुलवा ली है और बैग वैग हमने पैक कर लिया, ये देखें, और जाना हमने कपड़े वपड़े अपने उठा लिए हैं, बैग वैग हमने तैयार कर लिए। असल में हम एक बैग लेके जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए दोनों जा रहे हैं। हाँ 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, कपड़े थोड़े से उठाए हैं हमने, वो इसलिए ताकि हम लोगों ने कपड़े बाहर से ख़रीदने। यार आप लोगों को पता है भाई की भाई ब्रांड है, भाई कपड़े जो भी लेता है बाहर से लेता है, यहाँ से नहीं लेता। तो छोटा बैग हमने तैयार किया है, कोई बड़ा बैग हैवी बैग नहीं लेके जा रहे, और गाड़ी आने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, गाड़ी आती है फिर निकलते हैं। नहीं आई गाड़ी भाई, टाइम लगेगा अभी। गाड़ी आ चुकी है और इन ड्राइव जो मैंने मंगवाई थी वो आ चुकी है। आ जाओ ना, बैग नहीं निकलेगा तुमसे क्या, इतना भारी है बैग। नहीं भारी नहीं है वैसे ही।
फिर अच्छा लगता है। मैं उठा के यार इसकी पकड़ने की जगह ही तो नहीं है, मैं कहाँ से पकड़ूं? चल पकड़े तो। वो तुमने इसमें क्या डाल दिया पागल? मैंने तुम्हें बोला था वहाँ से कपड़े खरीदेंगे, दो तीन कपड़े उठाओ, तुमने तो क्या क्या डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। यार इसको बैग को डिग्गी में रखूं या यहीं पे रखूं? सीट पे रख लूँ ना। चलो हमारी गाड़ी आ चुकी है और बैठते हैं गाड़ी के अंदर। चलें जी, निकल गए हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। और आप लोगों को जो है ना, हमने आज बताना नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों ने गेस करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कंट्री जा रहे हैं। यहाँ से मोड़ लेते हैं भैया, यहाँ से ये पहुँच गए हैं जी हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पर। और हम जो है आज हमारी फ़्लाइट है, कितने बजे की फ़्लाइट है हमारी? हाँ फ्लाइट कितने बजे की है हमारी? हमारी फ़्लाइट का अभी नहीं पता, क्योंकि हम वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि कितने बजे की फ़्लाइट है। बट आप लोगों को ये बता दें कि हम लोग जो है एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच चुके हैं। हम लोग तो एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और जो मेरा कैमरामैन है ना, हमारा कैमरामैन वो बाइक पे आ रहा था हमारे साथ साथ, तो बाइक वाला अलग गेट है, गाड़ी वाला अलग गेट है, तो उसको जो है ना बाइक से अंदर नहीं आने दे रहे थे। थोड़ी सी भाई ने जो है सोर्स वगैरह लगाई है, फोन शोन घुमाए हैं, तो देखते हैं कि वो कितनी देर में उसको अंदर आने देते हैं, क्योंकि वो जो बाइक वाला गेट है ना उससे किसी को भी अंदर नहीं आने देते ये लोग। बट अभी मैंने एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला सिर्फ मुझे दो मिनट में बंदा आपका अंदर आ जाएगा। हमारी फ़्लाइट जो है ना लेट हो गई है और मेरा कैमरामैन भी पहुंच गया, उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे। अभी जाके मैं आपसे जो है ना उसकी बात करवाता हूं कि वो क्या कहते हैं, कि उसको क्या कह रहे थे अंदर नहीं आने दे रहे थे, और फिर अचानक उसको अंदर कैसे आने दिए, ये सब चीज़ें आपको दिखाता हूं। अभी फ़िलहाल जो है ना फ़्लाइट लेट हो गई है, मैकडोनल्ड के पास बैठ के वीडियोज़ बनाते हैं हम अपने टिकटॉक की। और आप लोग जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज आप लोगों को जो है ना हम बताने वाले हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोग बोलेंगे वाकई यार आज आपने सफ़र किया है। से हम लोग जा रहे हैं अपने कैमरामैन को लेने के लिए। हमारा कैमरामैन वो वाइट कपड़ों में खड़ा हुआ है, अभी आप लोगों को मैं मिलवाता हूँ उससे। ये मेरा कैमरामैन है जो कि पहले भी मिल चुके हो, लेकिन अभी मैं इससे ये पूछता हूँ कि इसको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे, अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? अलाउ नहीं है। फिर क्या हुआ एंड में? फिर एंड में क्या हुआ, एक कॉल गई उन्होंने, खुद ही छोड़ दिया। देख रहे फिर भाई की चाल, तेरे भाई ने एक कॉल मिलानी है और उसके बाद जो है ना दुनिया को हिला देना है, ऐसा सीन है। आ जाओ, आज हम लोग जा रहे हैं बस बाहर दोनों। अच्छा जी गाइस, अभी हमारी फ़्लाइट को थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो हमने सोचा थोड़ी सी टिकटॉक की वीडियोज़ बना लेते हैं। और सामने ही एयरपोर्ट है, देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरा कैमरामैन है अब्बास शेख, और ये बेचारा हमारे साथ रहता है, इसकी मोहब्बत है, जब इसको मैं बुलाऊं आ जाता है फ़ौरन से। अभी फ़िलहाल राइड नाउ टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, जैसे ही फ़्लाइट का टाइम होता है मैं आप लोगों को बताता हूं फिर कि इतना टाइम रह गया है, फिर हम लोग इंटर हो जाएंगे अंदर की तरफ। हमारे भाई के सर में दर्द होने लग गया, तो ये मौलवी साहब जो है ये दम करने लग गए यहाँ पे सबके सामने, एयरपोर्ट के सामने, और दुनिया भी देख रही है कौन से मौलवी ऐसे हैं जो फ़ौरन से दम करना स्टार्ट कर दिया। असर भी हो रहा है भाईजान या फिर बस अभी होगा तो पता चलेगा? चलो फ्रेश है तो अभी तो फ्रेश हो जाएगा। दो मिनट जी, हमारी फ़्लाइट जो है ना थोड़ी सी और डिले हो गई है, 5 बजे की हो गई है, और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आज आपको हम जहाज़ में बैठते हुए की वीडियोस दिखाएंगे, और जहाज़ में कैसे एंटर होते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और पूरे एयरपोर्ट की मज़े की वीडियोस दिखाएंगे, और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। मैं वीडियोस बना के थक गया हूं, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी जो है ना आज हमारी फ़्लाइट जो है ना थोड़ी सी लेट हो गई है, जिसकी वजह से अभी और थोड़ी देर इधर बैठना पड़ेगा। हमसे पहले निकले थे, हमें भूख लग रही है, और हमने सोचा कि आज हमारी फ़्लाइट जो है मिस ना हो जाए, तो थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं, बर्गर वगैरह खा लेते हैं, मैकडोनल्ड के अंदर जा रहे हैं। चलो भाई, हमारा कैमरामैन भाई अंदर ही है वॉशरूम में। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी जाते हैं अल्लाह पाक इज्जत देता है। अभी मैकडोनल्ड एयरपोर्ट वाले में हैं, यहाँ पर भी वीडियो मैंने लगाई है उस ब्लॉग के अंदर, और स्टाफ जो है हमारे साथ पिक्चर वगैरह लेने आया है, और वीडियो में मुँह नहीं दिखा सकता क्योंकि उनकी जॉब का इशू होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैंने ब्लर करके वीडियो लगाई है। बट ये मैडम के फैंस बहुत ज़्यादा हैं हर जगह। यार इन लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, मैंने सोचा इन गरीबों को मैं नाश्ता करवा दूँ, एक ये गरीब है एक ये गरीब है, इन गरीबों को मैंने नाश्ता। हाँ थैंक यू। चलो भाई नाश्ता करो और फिर अगली कहानी फिर बाद में बताऊँगा मैं। हम जो है ना वो अंदर से सामान उठा रहे हैं, बैग वगैरह, पानी की बोतल जो भी हमने ली हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जा रहा हूँ उनको समझाऊँ कैसे, बताऊँ कैसे, दिखाऊँ कैसे कि मेरी टिकट हो गई है जी। हाँ हाँ जी, इधर वीडियो बनाए, अभी टाइम तो है नहीं, बस चलो चलते हैं, इधर वीडियो बनाते हैं यार, ऊपर चल के बनाते हैं यार, जानो अभी टाइम है, 5:30 बजे की फ्लाइट है। हाँ हाँ जी, आपके 5 बजे की फ्लाइट है मुझे पता है, तुम आओ तो सही। चलो 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 चलते हैं चलते हैं।
आओ तो सही, एक बात बतानी है आपको मैंने। हाँ इधर नहीं चले ना, उधर अंदर की तरफ चल के वीडियो बनाते हैं ना। रुक तो जाओ, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। क्या? डांटो के तो नहीं। क्या बताना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर बताओ, धूप बहुत हो रही है। क्या? मुझे नहीं पता क्या बता रही हूँ, बताओ। प्यारे भाभी मैं तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें यही छोड़ के जा रही हूँ। क्या मतलब? मेरी टिकट हो गई है। कौन सी? दुबई की। मैं अकेली जा रही हूँ। हम लोग मजाक कर रहे हैं गाइस आप लोगों के साथ, हम कहीं नहीं जा रहे, हम लोग जो है ना वीडियोस बनाने आए थे। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना प्रैंक कर दूं। अच्छा बात तो सुनो। हाँ ना, रुक जाओ गाइस, हम लोग आप लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, एक छोटा सा मैं प्रैंक कर रहा था, और मैंने काफी दिनों से प्लान किया हुआ था कि हम लोग जो है ना एयरपोर्ट पे जाके प्रैंक करेंगे, तो आज आप लोगों के साथ हम लोग प्रैंक कर रहे थे। आप लोगों ने जो है ना दिल पे नहीं लेना, मैंने वीडियो लगा दी, काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और काफी अब आज इधर आ जा हमारी, इधर एक दो वीडियो बनाना फिर निकलते हैं। सही है, चलो जाना तो नहीं। नहीं तो हम लोग मजाक कर रहे थे आप लोगों के साथ गाइस, अभी वीडियो बनाते हैं और भी आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाते हैं। चलो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? ये देखो, सूरज की धूप लग रही है, चलो वीडियोस बनाते हैं फिर निकले घरों की तरफ यार। चलो तुम समझ नहीं रहे हो गाइस, आज आपके साथ मैं प्रैंक कर रहा था, लेकिन प्रैंक मजेदार नहीं हुआ यार गाइस। ये तो अभी की टिकट है। तो अभी की है? मैं तो प्रैंक करना चाह रहा था, सीरियसली हो गई। मैं तो 3:35 गया, इसको पकड़ो ना। मैंने ना ऐसे ही नौला को बोला कि मैं आ रही हूँ प्रैंक कर लूँ, तो उनको प्रैंक वाला मैसेज ही नहीं किया, उन्होंने टिकट बोल दिया। गाइस इसने हकीकत में टिकट करवा ली है यार, ये देखें 3:35 की इसने टिकट करवा ली है, और ये तो तुम्हारी चेक इन भी स्टार्ट है। मैं तो ऊपर लेके आया, मुझे तो बताओ कम अज कम, मैं उस तैयारी पे आया हूँ, मेरे को डाले कपड़े वपड़े डाले हैं इसके अंदर। हाँ, तभी तो भारी है। बंद कर बंद कर बाप, बंद कर 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 बंद कर, मेरा मूड ऑफ हो गया। बंद कर, ये प्रैंक कौन था तुम्हारी? रियल में हो गई, मैं क्या करूं? मैंने तो बंद कर, बस बंद कर, अबे बंद कर। गाइस मैं आप लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, और इसने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। मैं इस चक्कर में था कि जो है ना मैं इस आप लोगों के साथ प्रैंक करूंगा और यहाँ आके ये वो करूंगा, मैंने बहुत डिले किया, बहुत कोशिश की, एंड में इसने मुझे टिकट दिखा दी कि मेरा तो टाइम ही 1 घंटा रह गया है, चेक इन स्टार्ट है, तो जल्दी जल्दी से इसको भेजता हूँ चेक इन के लिए। और मेरे जो है ना इन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले जिक्र किया कि हम दोनों साथ चलते हैं, तो मैंने बोला मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अभी हम नहीं चलते, 1-1.5 हफ्ते बाद चलेंगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल जो है ना इसकी टिकट तो हो गई है, अब चलो। गलती से इन्होंने टिकट करवा ली अपनी, क्योंकि इन्होंने मेरी टिकट करवा दें, मैं प्रैंक कर रही हूँ अमजद के साथ। इन्होंने जो है ना मुझे वो वॉइस सुनवानी थी कि टिकट मैं करवा रही हूँ, लेकिन उन्होंने हकीकत में ही टिकट करवा के इनको सेंड कर दी। तो अभी मैंने देखा तो इनकी टिकट हो चुकी है, 3:35 की टाइम बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं। ये देखो इसमें क्या है, ये तो मैं कैमरा लेके आया था शूट के लिए, तो ये देखो मैंने कहा इधर वीडियोज और पिक्चर वगैरह लूँगा, लेकिन इसकी हकीकत में टिकट हो गई है, और तुम यहाँ निकलो, मैं वहाँ अपने माँ बाप के पास जाता हूँ फिर। सही है, अब्बू की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, चलो ये अच्छा हो गया, ये मेरे साथ वहाँ गई थी, बोर हो गई थी, अभी ये 2-3 दिन वहाँ जाके रहेगी, अब मैं जो हूँ थोड़ा सा अपने माँ बाप को टाइम दे लूँगा, ताकि मेरे माँ बाप भी खुश हो जाएं, लास्ट टाइम भी उनको टाइम नहीं दे सका था। हो गया तुम्हारा तो जाओ फिर, खड़ी हुई क्यों हुआ, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। पैसे? कौन से पैसे? पैसे तो दे दे काका। कौन से पैसे? पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो मुझे बताती, मैं एक्सचेंज तो करवाता, अब तो एक्सचेंज ही नहीं करवाया मैंने। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं एक्सचेंज करो, अब्बास तुम यहाँ पर रुको, मैं एक्सचेंज करवा के। तो वहाँ पर तो दिरहम चाहिए ना पागल, कहाँ से करवाओगी तुम? अच्छा तो वहाँ तुम टैक्सी कैसे लोगी जाने के लिए घर? सिम गुम गई ना तुम्हारी? ना इसके पास सिम है और ना इसके पास कुछ है, ये पकड़ो इसमें पैसे निकालो। बल्कि रुको अब्बास तुम लोग यहाँ रुको, मैं दिरहम एक्सचेंज करवा के आ रहा हूँ। थोड़ा सा सैड हूँ, वो इसलिए कि मुझे पता नहीं चला अचानक से और ये चली गई है, इसने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी, इसने मुझे बोला कि हम साथ चलते हैं दुबई ना, तो भाई भाई बुला रहे हैं, हम वहाँ चलते हैं, कोई 3-4 दिन 5 दिन लगा के वापस आ जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं यार,
मेरे ना अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को भी पता है लास्ट टाइम मैं गया था, मेरे वाले साहब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने उसको बोला यार ना मैंने वहाँ जाना है, तुम यहीं रुकना, तो मैं वहाँ जाऊँगा अपने अब्बू से मिलने के लिए, मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है और अब्बू हर वक्त कहते रहते हैं कि छोटे मेरे बेटे से बात कराओ बात कराओ। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि यार तुम यहीं रुकना कराची में, तो मैं अब्बू की तबीयत और हाल अहवाल लेने के लिए चला जाऊँगा। बट इसने अंदर ही अंदर प्लान करके इसने सोचा होगा कि यार अमजद वहाँ जाएगा, इधर अकेली मैं क्या करूँगी, तो उससे बेहतर है मैं उधर चली जाती हूँ। तो ये इसने बेसिकली ये किया, अभी मुझे बता रही थी कि मैंने भाई को बोला कि मुझे टिकट की डम्मी करवा के दें, जो मैंने ना अमजद के साथ प्रैंक करना है, और मुझे टिकट करवा के दें। ये इसने वॉइस की कि मुझे टिकट करवा के दें, फिर अगली वॉइस की कि मैंने ना अमजद के साथ प्रैंक करना है, मुझे एक डम्मी टिकट चाहिए जो मैं इनको दिखाऊंगी कि मेरी टिकट हो गई है, और ये शॉक्ड हो जाएंगे। सीन ये हुआ कि मैं यहाँ प्रैंक करने के लिए आया, इसने मुझे बोला कि जो आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हो ना कि प्रैंक इस तरह का करना है करना है करना है, तो आज चलते हैं करने के लिए। मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की, मैंने कहा मैं आप लोगों को जो है ना बहुत मैंने छोड़ दी शुरू में, बट एंड में पता चला कि उसकी वाकई टिकट हो गई है। थोड़ा सा डिसार्ड हूँ मैं, परेशान हूँ कि अकेला यहाँ रह गया हूँ, खाने पीने का और रहने का मसला होता है, आपको पता है अकेले बंदे के लिए टेंशन होती है। बट खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में निकलूंगा अपने माँ बाप से मिलने के लिए। मेरा कैमरामैन भी डिसार्ड है, इसको भी नहीं पता था, अचानक से इसको भी सीन हो गया। वीडियो बनाने के लिए आए थे और इसको मैंने बोला कि मैंने ना शूट करना है। मैंने तुझे कॉल पर क्या बोला था, कॉल पे ये बोला था कि कैमरा उठा के आना शूट करना है, आगे पता चला कि भाभी ने तो टिकट करा ली, मैं तो बहुत साइड हूँ यार। हाँ तो हमें पता ही नहीं चला, हम लोग साथ होते थे ना, मतलब ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, हम लोग साथ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, चली गई है और मैं अब आपको व्लॉग्स जो है आप कुछ दिन, एक हफ्ता, तीन दिन, चार दिन, जो भी हैं आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखने हैं, मैं अपनी लाइफ की रूटीन बताऊँगा कि यास्मीन के बगैर मेरी लाइफ की क्या रूटीन है, और मैं अपने गांव में जाके अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ, कितने दिन रुकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हमारी बाइक कहाँ है यार, तू बाइक पे है, इसको जो है ना अंदर नहीं आने दे रहे थे, ये बाइक पे आ जाओ, बाइक लेकर आओ, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्या करें और परेशान होके। गाइस थैंक यू सो मच, आपने व्लॉग देखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और आगे बोलने की यकीनन, और जो है अब क्या कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आप लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, मेरे साथ खुद के साथ प्रैंक हो गया, मैं जो है एयरपोर्ट के पे आके आप लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, मैंने यास्मीन को प्लान किया था, मैंने बोला मैं एंड में जाके आवाम को बोलूँगा कि मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रहा था, जब मैंने आप लोगों को ये बोला तो उसने मुझे बोला कि मैं भी आपके साथ प्रैंक कर रही थी, मैं भी जा रही हूँ ओरिजिनल। तो खैर ये चली गई है, इसकी जो है एक घंटा आधा घंटा रह गया इसका फ़्लाइट उड़ने में, फ़्लाई करने में, तो ये दुबई में पहुँच कर वीडियोज़ बनाएगी, आई डी पर आएँगी वीडियोज़ दुबई की भी। बाकी मैं भी इंशाल्लाह दो चार दिनों में चला जाऊंगा, अपना वीज़ा आज अप्लाई करवा दूंगा, मैं अभी ही जाके मैसेज कर दूंगा, अपना वीज़ा अप्लाई करा के तीन चार दिनों तक मैं भी दुबई पहुंच जाऊंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।